Hi Marys, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram, Twitter, Facebook, Sari ki Sari link in the description box mein. Namaste, this is Dvija aur kaise hain aap? Okay, we are seeing. You know, dheere dheere I'm getting a little bit bolder on doing the videos jo main bahut time se ना पीछे धकेल रही थी क्योंकि वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहे थे इवन आफ्टर आई टू कट एंड एवरी थिंग जो मैं लास्ट टाइम बोला बट लास्ट वाला वीडियो भी अपलोड हुआ आई रियली वॉन्टेड टू सी दिस क्योंकि काफ़ी रिकमेंडेशन थी इसकी सच का सामना बीबी की वाइंस अपने बाप से ऐसे सवाल करेगा आई डोंट नो मैंने क्यों रखा था ये लेट के लिए या फिर बाद में करूँगी ऐसा सोच के बट आई हैव हैड इट इन माई वॉच लेटर और रिकमेंडेशंस भी है DMs भी आए हैं So why not? Let's give this one a try. And उम्मीद करते हैं मज़ा आएगा and जाएगी Right. That's important. I don't know what I was saying. Wait. मैं भूल गई B12 के injections लेने का time हो गया I think. Whatever. बट ये जब वीडियो आएगी आई सपोज तभी होगा हैलोवीन सो अ वेरी हैप्पी हैलोवीन टू यू मैं एक दिन पहले ये वीडियो कर रही हूँ बिकॉज आई यूजुअली डोंट फिल्म ऑन संडेज सो अ वेरी हैप्पी हैलोवीन टू यू और मैं सोच रही हूँ कि हैलोवीन के दिन रात को आई डू ASMR लाइव विथ यू गाइज और हम यू नो घोस्ट स्टोरी शेयर करें एक दूसरे से बट ASMR इट शुड बी लाइक वेरी क्वाइट एंड या दैट काइंड ऑफ वाइब आई डोंट नो क्या होगा बट आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट किस समय कर पाऊँ आई डोंट नो एंड आई होप यू गाइज कैन जॉइन मी आई डोंट नो आई नॉट वेरी श्योर मैच होगी तो आई डोंट नो बट ठीक है लेट अस गो लेट्स गेट इट एंड प्ले मम्मी प्लीज खाना दे दो बहुत भूख लग रही है पहले नहा क्या कल भी नहीं नहाया था अरे ठंड में रोज़ कौन नहाता है तेरी माँ और तेरा पापा आप ही समझाओ लिसन सन योर मदर माई वाइफ मीन टू से नो इंग्लिश That's why English mein. I talk English with you. But she'll understand whatever you say. Prove you are a stupid female. Okay. Okay. She's so cute Italy though. Jhand, English jhand. kabhi, when I go bathroom in thand, chullu bhar pani, chup chup chup. chup chup chup. Sing 2-3 full songs. Mukhda, antra. She think done. बाहर आके फुसफुस दियो क्या कर रहे हो नहाने के फायदे समझा रहा हूँ बेटा अच्छा हेलो अंकल रतन जी इसीलिए इंग्लिश हेलो और क्या हाल है क्या बकरी मम्मी आपको जाना नहीं है टैक्सी बुक कर दो ना यार मेरे फोन में वो स्पेस होती है ना वो इतनी कम हो गई है कि अब वो टैक्सी वाले और बाकी ऐप मैंने हटा दिए हाँ तो मैं टैक्सी से बुक कर देता हूँ आंटी ओके BPL मेरे फोन में तो कुछ भी नहीं है स्टिल स्टोरेज का आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द स्टोरेज मुझे फॉर्मेट करवाना चाहिए आई जस्ट फील लाइक इट ये लो हो गई क्या बुक आई जस्ट कैन फॉर्मेट दिस फोन हो सकता है उसमें तो ओके सारे रात बक दिए उसने मैं उसी ने कंप्लेंट की थी मेरी अच्छा ये सच का सामना क्या होता है वाह का सामना फेस द ट्रुथ क्या बोल रहा है ये सच का सामना एक गेम है चलो ना खेलते हैं आप क्या खेलोगे ये तो बच्चों का गेम है एकदम बेकार यार तेरी माँ चली गई बाहर अखबार में पूरा सुबह सुबह पढ़ लेता हूँ क्राइम पेट्रोल भी रात को आता है बोर हो जाऊंगा क्राइम पेट्रोल खिलवा लो यार खेलो ना अंकल आप और भुवन खेलो मजा आ जाएगा अच्छा अच्छा इसमें करना क्या होता है बस सच बोलना है दो सवाल आपके दो सवाल इसके आप सवाल पूछो ये सच बोलेगा मैन मतलब वैसे तू झूठ बोलता है नहीं पापा आप बस सवाल पूछो और हाँ कोई झूठ नहीं बोलना और कैसे पता चलेगा Only that person knows, right? तेरी हाइट कितनी है? 5'11" वेट अंकल BMI निकालोगे क्या? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? रुको मैं समझाता हूँ। तूने कभी अंकल की पॉकेट से पैसे चुराए? बहुत पहले 10 रुपए बस वो जो तू 500 के दो करारे नोट लाया था कुछ महीने पहले स्कूल में कौन से पैसे अरे बंक मार के नहीं गए थे स्कूल से पूल खेलने ऐसे फ्रेंड्स मैं पूरा टाइम बेचारी वो कारों वाली पे शक कर रहा था पापा मैं आपको बताने ही वाला था देखा अंकल ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें सामने वाले की हालत खराब हो जाए थैंक यू फॉर होल्डिंग ऑन बंचोरदास
तू बाथरूम में नहाने में इतना टाइम क्यों लगाता है? ये हुआ है गेम शुरू। तन्हाई से निकले आफू हुपाने के लिए नहा लेता हूँ। दिन के 15 मिनट वेस्ट ना हो इसीलिए बाथरूम में ही हिला लेता। पापा लंबे बाल धोने में काफी टाइम जाता है। लंबे बाल है धोने में, शैम्पू कंडीशनर मार्गो। तेरी माँ के भी तो लंबे बाल है, वो तो 5 मिनट में आ जाती है। और फोन क्यों ले जाता है अंदर? लोटा लोटा हिलाने में दिक्कत होती है तो फोन डाल के उसमें लोटा हिल जाता है। क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ? मेड नो सेंस। आप 3 साल पहले बैंकॉक गए थे क्यों? ऑफिस की ट्रिप थी बेटे, मीटिंग थी। आपके ड्रॉअर से मुझे पिछले हफ्ते ये मिला, प्लेबॉय क्लब। अरे हाँ हाँ हाँ, ऑफिस के दोस्तों को अपने बच्चों के लिए खिलौने लेने थे तो प्लेबॉय उस दुकान का नाम था। ओ, तो वहाँ खिलौने बेचते बेचते बॉडी मसाज भी होती थी। अपने बाप से ऐसे सवाल करेगा? ओहो, ये दिन दिखाने के लिए तुझे इतना बड़ा किया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है तुझे। अरे तुम्हारी उम्र में तो मैं पहाड़ चढ़ के स्कूल जाता था। अरे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं अंकल। ये गेम का रूल है, सवाल सवाल है। मुझे पड़ोसियों ने बताया कि पिछले हफ्ते जब मम्मी और मैं बाहर गए थे तब घर में कोई लड़की आई थी। उल्टा वार, जस्ट गॉट रियल। मतलब टट्टी अफली हो गई। पापा वो फ्रेंड थी असाइनमेंट के सिलसिले में आई थी। क्या नाम था उसका? गौरी। स्नेहा। दो दो लड़कियां आई थी। अरे घर है कि कोठा? दोनों गर्लफ्रेंड है तेरी? सिर्फ स्नेहा आई थी पापा, और गर्लफ्रेंड तो कोई भी नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है। ये कोई उम्र है प्यार करने की? अरे ये उम्र तो पढ़ाई करने की है। ये उम्र तो आपका नाम रोशन करने की है। ये उम्र तो ही इज नॉट बाइंग इट अप। किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने की थोड़ी है। दैट्स सो डीप, दैट्स व्हाट फी फैट। तो स्नेहा है कौन? फ्रेंड विथ बेनिफिट, मतलब दोस्त जो एक दूसरे के काम आए ताकि दोनों का फायदा हो। उसने मेरा असाइनमेंट किया। ये तो तेरा फायदा हुआ, तूने उसको क्या दिया? ओरिगैनो पिज्जा खाना था ना उसको, लड़कियों को तो पिज्जा पसंद है। और बीवी को नहीं पसंद है। चुप करा। सेम। तू जब अपनी दोस्त के लिए मुंबई गया था किसके साथ रुका था? पिंकी 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 लड़की के साथ रह रहा था। उसके माँ बाप ने कुछ कहा नहीं? वो तो दिल्ली में ही रहते हैं अंकल। दोनों एक साथ रह रहे थे अकेले। पापा पिंकी जी मुझसे 10 साल बड़ी हैं। हमारा रिश्ता इतना पवित्र है। वो तो मैं डिसाइड करूंगा बेटा कि पवित्र है कि नहीं। अंकल आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन है। ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? ना फेरे ना विदाई। सॉरी पापा, सॉरी। छोड़ा थैंक सो मच फन। अब मेरा सवाल पूछना। तेरा बाप हूँ, उसूलों वाला आदमी हूँ, ईमानदारी से जिंदगी जी है। तेरे साथ मैं ये गेम रोज खेल सकता हूँ। आप वर्मा आंटी के बारे में क्या सोचते हो? मेरे को खेलना ही नहीं है। अरे पापा अरे रोको। जब तक खुद पे नहीं आता ना तब तक पता नहीं चलता। दिलों में जवानी के दिए जल रहे हैं और कुछ लोग अभी तक अपना नुन्नू मल रहे हैं। एवरी टाइम समीर स्पीक समथिंग मेरा दिल ऐसा है ना बैठ जाता है यार, कुछ बोलेगा जो निकालना पड़ेगा मुझे। वेल दैट्स हिज कैरेक्टर एंड दैट्स हिज एसेंस ऑफ द कैरेक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब नहीं समझता है सो या। बट उफ, सच का सामना विद एनी वन बेसिकली कैन हर्ट अ लॉट ऑफ फीलिंग्स आई फील। कुछ चीज़ें होती है वाइट लाइज आर नो नॉट बैड ऐसा बोलते हैं, कुछ चीज़ें तो ना बोलो तो ये अच्छा। इवन इफ इट्स मतलब विथ योर फ्रेंड्स और समथिंग, सब कुछ सच बोलने लगे तो सबको बहुत बुरा लगेगा। ट्रूथ हर्ट्स, ट्रूथ इज बेटर, कांट हेल्प इट। आई डोंट नो बट आई हैड बेटर वीडियोज फ्रॉम हिम, लाइक मज़ेदार टाइप, राइट? आई थिंक आई हैड बेटर वीडियोज फ्रॉम हिम बिफोर। दिस वॉजन दैट मच, मे बी इट वॉजन लाइक माई टाइप ऑफ ह्यूमर। आई डोंट माइंड डर्टी ह्यूमर, आई डोंट माइंड, लेकिन ये वाला फॉर मी पर्सनली वॉज नॉट दैट इट।
मैं स्टिल इन्जॉय, ऐसा नहीं मज़ा नहीं आया कि आई मीन आई एन्जॉय वॉचिंग हिम, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, बट कुड बी बेटर, आई हैव हैड मच बेटर. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ओनली वीडियोज आई फेल लाइक दैट बीवी की वाइंस का देखो तो. रिगार्डस होता रहता है ऐसा, होपफुली वीडियो जाएगी एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय, लव यू.